हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट टू है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से असर्टिव वाक्य को हम इंट्रोगेटिव वाक्य में बदलते हैं। तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है जिनका आंसर हाँ या ना में मिलता है, दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो पहले देखिए, हमारा ये है डिड यू गो टू मार्केट, क्या तुम बाज़ार गए। तो इसका उत्तर हमें हाँ में मिलेगा या ना में मिलेगा, यस आई वेंट टू मार्केट या नो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। दूसरा देखिए, जैसे माय नेम इज़ मोहन, मेरा नाम मोहन है। तो इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो रूल्स नंबर एक देखिए हमारा शुरू हो रहा है। तो चैनल में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो रूल्स नंबर में फर्स्ट में देखिए कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनको हम सबसे पहले वाक्य में लाएंगे, लेकिन दो सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब हमें मालूम नहीं पड़ती है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू डज का प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर है तो डज का प्रयोग करेंगे और प्लुरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। और सेकंड फॉर्म अगर है हमारी तो डिड का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्बों को सबसे पहले लगाना है। हमारी हेल्पिंग वर्ब इस प्रकार हैं, जैसे डू, डज, डिड, विल, शैल, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड। तो अगर ये वाक्य में हैं तो सबसे पहले हमें इन हेल्पिंग वर्बों को वाक्य के प्रारंभ में लगा दो। दूसरा फिर आगे क्या करना है कि अगर वाक्य में नॉट है तो हमें उसे हटाना है, अगर नॉट नहीं है तो नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिए एग्जांपल देखिए हमारा, ही गोज़ टू स्कूल डेली, यानी वह रोज़ स्कूल जाता है। तो गोज़ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, डज पे लगाएंगे, डज ही। अब नॉट इसमें नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली, और वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए, शी प्लेड क्रिकेट। अब प्लेड हमारी सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी डिड। तो डिड शी नॉट प्ले क्रिकेट, और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए, ही विल डू इट, तो इसको जाएगा विल ही नॉट डू इट, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है तो हमने सबसे पहले लगा दी, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी इज़ अ गुड स्पीकर, तो इसका हो जाएगा इज शी नॉट अ गुड स्पीकर। नेक्स्ट देखिए, यू विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इसका होगा देखिए यू विल एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, तो नेवर को हम एवर में चेंज कर देंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल है देखिए, देयर इज़ नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ, तो इज देयर Anything better than a busy life। Next rule देखिए, अगर वाक्य में हमारे everybody, nobody, none या no one आते हैं तो हम sentence को interrogative में बदलने के लिए एक question word who का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हमारा है everybody knows Modi, तो इसको हो जाएगा who does not know Modi। इसमें देखो not नहीं आया है तो हमने इसमें does not का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, नो बडी वुड लाइक टू बी अ फूल, यानी कौन मूर्ख होना चाहता है, तो इसका मतलब कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता है, तो उसको हो जाएगा हु वुड लाइक टू बी अ फूल, क्योंकि इसमें नो बडी आया है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नो बडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव, यानी कौन गुलाम होना नहीं चाहता है, तो इसका हो जाएगा Who would like to be a slave, यानी कौन गुलाम होना चाहता है, तो इसका हो जाएगा Nobody would like to be a slave। Everybody loves his motherland, तो इसका होगा Who does not love his motherland। Next example देखिए, No one can put up with such conduct, तो इसका हो जाएगा Who can put up with such conduct। दूसरा इसको helping verb को आगे लगा कर बना सकते हैं, अगर फिर हम जो क्या है नो वन को एनी वन में चेंज कर देंगे तो इसका ये भी हो सकता है, तो कैन एनी वन पुट अप विद सच कंडक्ट। सेंटेंस में जो
कंडीशन तरह के सेंटेंस आते हैं, तो इसमें हम जो क्या है पीछे देखो चेंज करके बनाएंगे। जैसे हमारा ये क्या है, इफ़ यू प्रिक अस वी ब्लीड, यानी अगर तुम पिन चुभोगे तो खून निकलेगा। तो यानी इफ़ यू प्रिक अस वी ब्लीड, तो इसका बनेगा इफ़ यू प्रिक अस डोंट वी ब्लीड। तो वी ब्लीड के जो पार्ट हमारा है पीछे का, इसको हम डोंट वी ब्लीड में चेंज करके बनाएंगे। यानी अगर तुम्हारे सुई चुभोगे तो क्या खून नहीं निकलेगा, तो इसको इस तरह बनाएंगे। इफ़ यू पॉइजन अस वी डाई, यानी अगर तुम हमें जहर दोगे तो हम मर जाएंगे। तो अगर तुम हमें जहर दोगे तो क्या हम नहीं मरेंगे, तो इसको हो जाएगा इफ़ यू पॉइजन अस डोंट वी डाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रूल हमारा है, कभी कभी हम सेंटेंस को सेंस के अनुसार क्वेश्चन वर्ड लगा करके चेंज करते हैं। जैसे देखिए हमारा है, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी उनका यश कभी समाप्त नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन क्या निकला सेंस के अनुसार, उनका यश कब समाप्त होगा, तो कब के लिए हम जो वर्ड हमारा इंट्रोगेटिव है वो वैन का प्रयोग करेंगे। तो वैन कैन देयर ग्लोरी फेड। और दूसरा देखिए एक और एग्जाम्पल इसका, द पैट्रियट कैन नेवर डाई, तो वैन कैन द पैट्रियट डाई। अब देखिए इसका एक और है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, तो इसको जाएगा व्हाट गुड इज इट टू हेल्प द पुअर मैन, या इस तरह बना सकते हैं, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। अब हमारा देखिए नेक्स्ट जो रूल है वह है, जब वाक्य में हमारे आता है वी शुड नॉट से शुरू होते हैं, तो वी शुड नॉट की जगह पर हम वाई का प्रयोग करेंगे, फिर जो शेष हमारा वाक्य बचा उसको लिख दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, वी शुड नॉट मेक अ नॉइस, तो वाई मेक अ नॉइस। नेक्स्ट वाला, वी शुड नॉट गो आउट इन द रेन, तो वाई गो आउट इन द रेन। अब कुछ हमारे विशेष चेंजिंग भी हम करके बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमारे वाक्य में आता है इट डज नॉट मैटर, तो हम इसकी जगह पर लगाएंगे व्हाट इफ़ का प्रयोग करेंगे। और अगर ये आता है इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश, तो इसकी जगह हम लगाएंगे वाई का प्रयोग करेंगे। इट डज नॉट मच मैटर आता है, तो केवल हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। देखिए इनके एग्जांपल, तो इट डज नॉट मैटर इफ़ यू डोंट हेल्प मी, तो इसको हो जाएगा व्हाट इफ़ यू डोंट हेल्प मी। तो इट डज नॉट मैटर कि हमने क्या लगा दिया, व्हाट इफ़ का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन दिस फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन, तो यानी इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश की जगह हमने क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। देखिए वाई वेस्ट टाइम इन फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इट डज नॉट मच मैटर दो वी हैपन टू बी लेट, तो इसको आ जाएगा व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट।